बिहेवियर एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th की बच्चों फोर्थ यूनिट, जिसका नाम है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी बच्चों ऑर्डर कितना होता है, जिनका ऑर्डर कितना होता है, वन होता है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आर, मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियम है आर बराबर के ब्रैकेट ए की पावर एन। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी कोटि की कहलाएगी? एन कोटि की। किस प्रकार की कोटि कहलाएगी बच्चों? एन प्रकार की कोटि। पावर जीरो होती है तो शून्य कोटि, पावर वन होती है तो प्रथम कोटि, और पावर बच्चों दो होती है तो द्वितीय कोटि। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर, आर का मतलब क्या था बच्चों? दर, और ए क्या था बच्चों? अभिकारक की सांद्रता, और उसकी घात बच्चों कितनी हो जाएगी? वन। क्लियर? तो बच्चों ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की प्रथम घात पर निर्भर करती है। क्या बच्चों? हमने यहां से लिखा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर किस पर निर्भर करती है बच्चों? अभिकारकों की प्रथम घात पर। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की प्रथम घात पर निर्भर करती है, प्रथम घात पर निर्भर करती है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर बच्चों? मैंने क्या बताया? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की प्रथम घात पर निर्भर करती है, यानी कि बच्चों ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक की केवल एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, या अभिकारक के केवल एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है, वो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर बच्चों? मैंने क्या बताया? आप बच्चों यही डेफिनेशन अच्छी रहेगी, ये आपको लर्न भी रहेगी, तो यहीं से आपको करना अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं बच्चों। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं दोज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन, ठीक है बच्चों, फर्स्ट पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की प्रथम घात पर निर्भर करती है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं बच्चों। मैं आपको काफ़ी सारे उदाहरण दे सकता हूं, जैसे तो बच्चों जैसे मैं अगर आप पहले उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण बच्चों हमारे पास आ जाएगा अमोनियम नाइट्राइट का। किसका बच्चों? अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, ठीक है बच्चों। NH4NO2 का जब अपघटन किया जाता है, ठीक है बेटा, तो अपघटन करने पर क्या मिलेगा? N और N, क्या मिलेगा बच्चों? N2 और प्लस 2H2O। तो बच्चों ये अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि की है। किसकी है बच्चों? प्रथम कोटि की है। सेकंड बच्चों अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो आप जानते हैं बच्चों N2O5 का अगर आप अपघटन करते हैं N2O5 का, ठीक है बच्चों, तो ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा 2N2O4 प्लस O2। तो बच्चों ये भी कैसी कोटि की है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। किस कोटि की अभिक्रिया होती है बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अगर आप देखें बच्चों H2O, अगर आप इसकी रिएक्शन करें H2O2 गिव्स H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन, तो बच्चों ये अभिक्रिया भी कौन सी कोटि की होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट बच्चों अगर आप देखना चाहें, क्लोरीन का एक ऑक्साइड होता है बच्चों Cl2O7, क्या होता है बच्चों? Cl2O7। तो अगर आप Cl2O7 को बच्चों अपघटित करते हैं तो ये अभिक्रिया मिल जाती है आपको 2Cl2 प्लस 7O2। क्लियर बच्चों? गैस लिख लीजिएगा, ये भी गैस है, ये भी गैस है। क्लियर? तो बच्चों ये जो उदाहरण है आपके सामने है, किसके हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के हैं बच्चों। किसके उदाहरण है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के। तो बच्चों एग्जाम्पल जो होते हैं आप ये मत सोचिएगा कि इसमें एक अणु भाग ले रहा है तो प्रथम कोटि की है, इसमें दो ले रहे हैं तो द्वितीय की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि कोटि बच्चों एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, आप इसे किसी भी रिएक्शन को ऑब्जर्वेशन करके दे नहीं सकते, केवल आपको उसके लिए प्रैक्टिकल करना होता है, और प्रैक्टिकल करने के बाद बताया जाता है कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी या द्वितीय कोटि की। क्लियर? तो हमारे कोर्स में बच्चों ये आ सकता है सिंपल फॉर्मेट में क्वेश्चन। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की प्रथम घात पर निर्भर करती है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इनके नाम पता होने चाहिए बच्चों, अमोनियम नाइट्रेट का अपघटन उदाहरण दे दीजिए,
नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन बच्चा, एन का मतलब नाइट्रोजन, ओ कितने हैं 5, तो 5 को बोलते हैं बच्चों पेंटा, क्या बोलते हैं पेंटा, तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन, H2O2 आपने 11th क्लास में पढ़ाई था बच्चों, हाइड्रोजन परऑक्साइड तो H2O2 का अपघटन, और बच्चों ये क्या है क्लोरीन का ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड है बच्चों क्लोरीन का ऑक्साइड, तो क्लोरीन के ऑक्साइड का अपघटन। ठीक है बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो हमारा अब क्वेश्चन है बच्चों डेरिवेशन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो बच्चों जिस प्रकार से हमने शून्य कोटि के लिए डेरिवेशन किया था ठीक उसी प्रकार से बच्चों जो हमको डेरिवेशन करना है वो करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। किसके लिए बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्लियर। तो बच्चों अगर मैं कहूँ कि इन दोनों क्वेश्चन में से कौन सा ज़्यादा आता है तो बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो डेरिवेशन है वो ज़्यादा आता है, किसकी तुलना में बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया में। मतलब बच्चों इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन बच्चों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, और बच्चों इसका जो फॉर्मूले का डेरिवेशन आएगा उसी से आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, क्लियर बच्चों। तो ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर की आन बान शान जो है बच्चों वो यही डेरिवेशन है अगर आपको ये आता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों माना कल की तरह ये बच्चों क्वेश्चन, माना प्रथम कोटि की, माना प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया, माना प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार है। ठीक है बेटा कैसे है, जैसे हमने पहले माना था R एरो P। ठीक है बच्चों अब हमें इसके लिए डेरिवेशन करना है। बच्चों मान लीजिए प्रारंभ में जो इसके मोलों की संख्या है वो है A, कितना है A, और T समय पश्चात बच्चों आप जानते होंगे T समय पश्चात R की कुछ मात्रा बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाएगी P में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी P में। तो प्रारंभ में बच्चों R के मोलों की संख्या कितनी थी A मोल, कितने थे A मोल, T समय पश्चात बच्चों कितने बचेंगे A माइनस X, मतलब कुछ मोल X मोल बच्चों किसमें कन्वर्ट हो गए आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। कल किया था बच्चों कुछ ऐसा, मान लीजिए प्रारंभ में इसके जीरो, कुछ समय बाद मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों X। आप जानते हैं रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट की स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, धीरे धीरे उससे क्या होता है बच्चों प्रोडक्ट बनना शुरू होता है, क्या बनना शुरू होता है बच्चों प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। ठीक है तो रिएक्टेंट की मात्रा बच्चों घटती है और प्रोडक्ट की बढ़ती चली जाती है। तो चलिए देखते हैं तब वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार तो बच्चों वेग नियम क्या कहता है, तो वेग नियम कहेगा बच्चों अभिक्रिया की दर dx बटे dt किसके समानुपाती होती है बच्चों, वो होगी समानुपाती r के, किसके बच्चों r की कंसंट्रेशन के, और पावर कितनी रहेगी बच्चों 1, कितनी रहेगी 1, 1 बच्चों आपको नहीं लिखना, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि किसके समानुपाती रहेगी पावर 1 के, क्योंकि बच्चों कौन सी कोटि है प्रथम कोटि, प्रथम है तो पावर कितनी रहेगी बच्चों प्रथम। तो देखें तो बच्चों कितना हो जाएगा dx बटे dt इजिकल टू बच्चों कितना हो जाएगा k, और r की बच्चों मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ t समय पश्चात, तो कितना हो जाएगा a माइनस x, a माइनस x, क्लियर बच्चों। तो अगर आपने समाकलन पढ़ा है तो आप कर सकते हैं बच्चों dx बटे dt बराबर कितना हो गया k इंटू a माइनस x। तो बच्चों x वाले जो फंक्शन है मैं x के साथ लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों dx बटे a माइनस के x इजिकल टू k इंटू dt, समझ गए बच्चों यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट। x वाले जो फंक्शन थे बच्चों x के साथ ले आए, t वाले किसके साथ ले आए dt के। तो बच्चों यहाँ से भी ये क्वेश्चन आएगा, चलिए पहले मैं लिख देता हूँ क्या करना है बच्चों, यहाँ से दोनों पक्षों का समाकलन करने पर बच्चों, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो बच्चों मैथ के स्टूडेंट को तो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मैं उसको बच्चों समझा दूंगा, हमें एक ही फॉर्मूला यहाँ से लर्न करना है समाकलन करने पर। ठीक है बच्चों तो समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा dx बटे a माइनस x इजिकल टू k बाहर हो जाएगा बच्चों, और समाकलन किसका करेंगे dt का, क्लियर बच्चों। तो कल के अनुसार बच्चों मैंने बताया था dt का कितना हो जाएगा t हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों k t प्लस कितना हो गया बच्चों c, क्या हो गया, या तो c ले लीजिए या i ले लीजिए। ठीक है बच्चों लेकिन ये आज फंक्शन चेंज है, तो बच्चों आप ध्यान रखें यहाँ से 1 अपॉन x का जो बच्चों इंटीग्रेशन है वो होता है log x, क्या होता है log x, क्लियर। अगर यहाँ होता है बच्चों 1 अपॉन
एक्स प्लस टू, तो इसका कितना हो जाता log x प्लस टू, कितना हो जाता बच्चों log x प्लस टू, समझे होंगे आप। मैंने क्या कहा बच्चों log में ये जो फंक्शन है किस में चला जाएगा बच्चों, जनरली log में चला जाएगा, यहाँ से आपको ये वैल्यू लर्न भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों log a माइनस एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों log a माइनस एक्स, लेकिन बच्चों x कैसा माइनस का, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का साइन, क्लियर। तो बच्चों बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं अगर उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से इस लाइन को लर्न करने का प्रयास करेंगे पहले, उसके बाद आपको बच्चों बता दिया जाएगा। तो समाकलन कर लिया बच्चों, अब दोनों का समाकलन हो गया, तो बच्चों अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी की, किसकी करनी है बच्चों सी की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सी की वैल्यू बच्चों आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो बच्चों प्रारंभ में, कब बच्चों प्रारंभ में, मान लीजिए बच्चों ये समीकरण वन मान लीजिए चलो इसी को, तो प्रारंभ में बच्चों, प्रारंभ में जब टी बराबर जीरो, प्रारंभ में जब टी बराबर जीरो था बच्चों, स्टार्टिंग में जब टी बराबर जीरो था तो एक्स कितना था जीरो था, प्रारंभ में जब टी बराबर जीरो तो एक्स बराबर भी कितना था बच्चों जीरो। आप ध्यान दें बच्चों मैंने क्या कहा है, जब स्टार्टिंग में टी बराबर जीरो था तो एक्स बराबर भी कितना है बच्चों जीरो है, क्लियर। तो बच्चों टी की वैल्यू कितनी है जीरो और एक्स की कितनी है जीरो, तो समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर, क्लियर बच्चों। अब हम समीकरण एक में यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों लॉग, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका a माइनस जीरो, कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, बराबर k गुणा जीरो प्लस c, प्लस c, तो बच्चों ये कितना हो गया आपका जीरो, कितना हो गया c जीरो हो गया, और ये कितना बचेगा बच्चों माइनस लॉग a, कितना माइनस लॉग a, तो बच्चों c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस लॉग a, कितनी बचेगी बच्चों माइनस लॉग a। ध्यान रखें बच्चों आपको यहाँ से ध्यान रखना है, c की वैल्यू बच्चों k की जीरो में मल्टीप्लाई की तो ये तो जीरो हो गया, यहाँ x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे बच्चों जीरो, तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों माइनस लॉग a, क्या बचेगा माइनस लॉग a, तो यहाँ से बच्चों c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस लॉग a, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों c का मान रखना है, किसका मान रखना है c का, किस में रखेंगे बच्चों समीकरण एक में, तो लिख दीजिए बच्चों c का मान समीकरण एक में रखने पर, C का मान बच्चों समीकरण एक में रखने पर, क्लियर बच्चों। तो समीकरण एक में जब C की वैल्यू रखेंगे तो देखें बच्चों क्या हो जाएगी, माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर कितना था बच्चों के टी, कितना था लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, प्लस सी, और C की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, तो C की आई है माइनस लॉग a, कितनी आई है माइनस लॉग बेस a, क्लियर। तो बच्चों लॉग ए को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ थोड़ा सा, तो लॉग ए को जो बच्चों जब मैं इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस का है कैसा हो जाएगा प्लस का, कैसा हो जाएगा प्लस का, या लॉग ए और ये कैसा रहेगा बच्चों माइनस का, तो कितना हो जाएगा लॉग ए माइनस एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों के टी, कितना हो गया के टी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों आप लोगों को, क्योंकि बच्चों लॉग ए इधर माइनस का था, इधर आगे कैसा हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है बच्चों लॉग में अगर दो फंक्शन माइनस में होते हैं तो बच्चों उनका जो फॉर्मूला होता है वो डिवाइड का होता है, कैसा होता है डिवाइड का होता है, देखिए जरा अगर आप यहाँ देख सकते हैं, तो बच्चों अगर ऐसा कहीं लिखा होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इनका मतलब होता है लॉग एम बटे एन, एम बाई एन, मतलब माइनस का मतलब लॉग में क्या हो जाता है डिवाइड, अगर प्लस होता तो क्या हो जाता बेटा मल्टीप्लाई, क्लियर। तो देखते हैं बच्चों, तो क्या हो सकता है बच्चों, ये हो जाएगा लॉग बेस e और ये कितना हो जाएगा बच्चों a अपॉन a माइनस एक्स और बराबर कितना हो गया बच्चों आपका के टी, कितना हो गया के टी, क्लियर। तो चलिए बच्चों यहाँ से मैं आपको k की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ बच्चों, तो k कितना हो जाएगा यहाँ से, k हो जाएगा बच्चों वन अपॉन टी, कितना हो जाएगा t बच्चों कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, समझ रहे हैं ना, t बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आएगा, तो वन अपॉन टी और ये साथ में हो गया बच्चों लॉग ए माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स, क्लियर बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या हो गया बच्चों वेग स्थिरांक का व्यंजक, क्या हो गया बच्चों वेग स्थिरांक का व्यंजक। लेकिन आपको यहाँ से एक बात बच्चों ध्यान रखनी है, वो क्या कि बच्चों लॉग में यहाँ पर बेस में होता है e, क्या होता है e, देखिए हम कहीं लिखते नहीं है जनरली लॉग e, यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है, थोड़ा बहुत बच्चों साइड में हल्का सा लगा देते हैं, अदरवाइज यहाँ पर बेस में क्या होता है e। तो बच्चों अगर आप लॉग बेस e को लॉग टेन बेस में कन्वर्ट करते हैं, किसमें करते हैं लॉग का बेस टेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करनी होती है, मान लीजिए लॉग ए है और इसको टेन बेस ए में कन्वर्ट करोगे
तो कितने से मल्टीप्लाई करनी होती है, 2.303 से। कितने से मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, 2.303 से। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, के बराबर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दी बच्चों मैंने, 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग बेस 10 डिवाइड में है बच्चों आपका a अपॉन a माइनस x। तो ये जो बच्चों डेरिवेशन है आपके सामने, यही क्या है बच्चों आपका, उपरोक्त व्यंजक यही बच्चों क्या है, वेग स्थिरांक का व्यंजक है। के क्या होता है, वेग स्थिरांक। तो उपरोक्त व्यंजक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, या उपरोक्त समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो उसका आंसर है बच्चों यही होगा, अगर प्रथम कोटि का डेरिवेशन डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप यही आंसर देंगे, क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन, ठीक है बच्चों। तो मैंने एक ही बार में बोर्ड में लाने का प्रयास किया बच्चों, तो आप चाहें तो एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद बच्चों आप दोबारा से समझ सकते हैं, क्लियर। तो मैं चाहता हूं बच्चों या तो आप एक बार कॉपी कर लें वीडियो को स्टॉप करके, या बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर। तो आइए बच्चों चलते हैं आगे की तरफ, एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूं बच्चों, रिवीजन में क्या बताऊंगा। तो बच्चों यहां तक तो आपका बिल्कुल सही था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है आर। तो बच्चों आर किसके समान हो, आर से कोई रिएक्शन है, मान लीजिए ए एरो बी समथिंग, कोई भी रिएक्शन हो सकती है बच्चों। स्टार्टिंग में इसके जो भी मोलों की संख्या होती है, सपोज डैट बच्चों आपके पास कोई रिएक्टेंट है 2 मोल 4 मोल 6 मोल, तो उसके कुछ मोल बच्चों किस में कन्वर्ट होते हैं, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों कुछ मोल बच्चों यहां से कितने हो गए, स्टार्टिंग में कितने मोल थे ए, बाद में कितने बच्चों ए माइनस एक्स, क्लियर। तो बच्चों कितने मोल प्रारंभ में इसके जीरो होंगे और कुछ समय बाद कितने प्राप्त हो जाएंगे एक्स। तो बच्चों अभिक्रिया की दर क्या होती है, या तो उत्पाद की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता। तो बच्चों मैंने किसकी सांद्रता ली है, उत्पाद की, किसके लिए, उत्पाद की। तो बच्चों वेग क्या हो जाएगा, डीएक्स बटे डीटी समानुपाती आर। तो बच्चों आर की पावर कितनी होगी, एक होगी, कितनी होगी एक, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर शून्य कोटि की होती तो पावर कितनी आ जाती, शून्य। प्रथम की होती तो पावर कितनी आ जाती, वन। लेकिन बच्चों वन लिखते नहीं है अल्जेब्रिक में, तो मैंने आपको लिखा नहीं है। तो यहां से dx बटे dt बराबर k, बच्चों यहां पर k क्या था, जहां k क्या है बच्चों, वेग स्थिरांक है। क्या है बच्चों, वेग स्थिरांक। कौन सी अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों x वाले फंक्शन x के साथ, और जो अदर फंक्शन है वो दूसरी तरफ। तो x वाला फंक्शन बच्चों dx के साथ आ गया, और दूसरे फंक्शन मैंने dt की तरफ पहुंचा दिया, दोनों पक्षों का समाकलन किया। ये लाइन जो बच्चों मैंने अंडरलाइन की है, ये आपको लर्न करनी है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो या मैंने बताया था बच्चों जो भी फंक्शन वन अपॉन में है वो किस में चला जाएगा, लॉग में। लेकिन कंडीशन ध्यान रखें, एक्स होना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो बच्चों। टी हो सकता है वन अपॉन टी बच्चों, लॉग टी हो सकता है, लेकिन टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो बच्चों। टी प्लस फाइव भी लॉग टी हो सकता है, लेकिन टी स्क्वायर या टी क्यूब नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, वन होनी चाहिए, क्लियर। तो अगर समझ में नहीं आ रहा था बच्चों तो आप ये वाला स्टेप लर्न कर सकते हैं। इसके बाद टी की वैल्यू बच्चों जीरो पुट की थी स्टार्टिंग में, तो एक्स की कितनी थी, जीरो। वहां से बच्चों किसकी वैल्यू आ जाती है, सी की, और सी की वैल्यू बच्चों आप किस में पुट कर देंगे, क्वेश्चन में पुट कर देंगे, और ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका कि आपने किस तरीके से डेरिवेशन को कर सकते हैं। आइए बच्चों दूसरे तरीके से, जो मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था शून्य कोटि का भी दो प्रकार से कराया था, अब उसको कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों द्वितीय प्रकार से हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चों। मान लीजिए प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया आर एरो पी है, ठीक है बच्चों। वहां देखो हमने प्रारंभिक कंसंट्रेशन क्या मानी थी, ए। बाद में कितना माना था, ए माइनस एक्स। यहां पर क्या मानेंगे बच्चों, प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो आर की कंसंट्रेशन है बच्चों, हम लेके चलते हैं आर नोट। कितनी लेके चलते हैं, आर नोट। और टी समय पश्चात जो कंसंट्रेशन है, मतलब a माइनस एक्स जो है बच्चों, उसको लेके चलते हैं r। क्या लेके चलते हैं, r, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट, आई होप बच्चों यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो t समय के साथ बच्चों इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, r हो गई, और इसकी कितनी होगी बच्चों, पहले r नॉट थी फिर कितनी होगी, r। चलिए अभिक्रिया की दर बच्चों वेग नियम के अनुसार क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो देखें बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, वेग नियम के अनुसार
तो जो वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्या होती है बच्चों? तो बच्चों अभिक्रिया की दर हो जाएगी माइनस डी आर बटे डी टी, डी आर बटे, और किसके समानुपाती हो जाएगी बच्चों? के, और आर की जो पावर है बच्चों वो कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर? तो ध्यान रखें बच्चों, यहां पर हमने क्या लिया था? ए माइनस एक्स, ठीक है, मतलब बाद वाली कंसंट्रेशन लेनी है। अब बच्चों माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बच्चों मैं अब किसके रूप में ले रहा हूं? अभिकारक के रूप में। किसके रूप में ले रहा हूं बच्चों? अभिकारक के रूप में। अगर मैं अभिकारक के रूप में नहीं लेता, उत्पाद के रूप में लेता, तो माइनस साइन नहीं आता, जैसे बच्चों मैंने पहले डेरिवेशन में किया था। ठीक है बच्चों, के क्या है? स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? वेग स्थिरांक। क्या कहते हैं बच्चों? वेग स्थिरांक। कौन सी कोटि के लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। क्लियर बच्चों यहां तक? चलिए, मैंने क्या कहा था बच्चों? आर वाला आर के साथ, और नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल ही रहेगा बच्चों। तब या ये हो गया बच्चों माइनस डी आर डिवाइड बाई आर, और ये हो जाएगा बच्चों आपका के इंटू डी टी। क्लियर? आर वाला आर के साथ, डी टी वाला नॉर्मल बच्चों। फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है बेटा, अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, माइनस बार डी आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी डी टी। क्लियर बच्चों? अब अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन बच्चों इसका क्या निकल के आ जाएगा? तो मैंने बताया था अगर कोई फंक्शन r नीचे है तो किस में पहुंच जाएगा बच्चों? लॉग में। किस में पहुंच जाएगा? लॉग में। तो ये हो गया बच्चों आपका लॉग r। क्या हो गया? लॉग r। माइनस क्यों है? क्योंकि चलता ही आ रहा था बच्चों। k dt का करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? t प्लस c ले लीजिए। c क्या है बच्चों? समाकलन गुणांक है। आपको याद रखना है किसी भी क्वेश्चन में जब हम कॉन्स्टेंट नंबर लेते हैं बच्चों इंटीग्रेशन करते टाइम, तो वो आपका समाकलन गुणांक होता है, आप बताएं या ना बताएं। तो कितना हो गया बच्चों? के टी प्लस सी, के टी प्लस सी या आई ले लेते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या करना है बच्चों? प्रारंभ में, स्टार्टिंग में बात करेंगे बच्चों, प्रारंभ में जब टी बराबर जीरो था, जब कितना था बच्चों? टी बराबर जीरो था, तो आर कितना था? आर नॉट। टी बराबर जीरो तो ब्रैकेट आर बच्चों बराबर क्या था? आर नॉट था। क्या था? आर नॉट। क्लियर? तो ये बच्चों आपकी होगी समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में बच्चों आपको वैल्यू पुट करनी है। समीकरण 1 में किसका बच्चों? मान रखने पर। क्या मान रखना है? टी बराबर जीरो और आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? आर नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर नॉट। तो बच्चों क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के लॉग, कितना हो जाएगा बच्चों? आर नॉट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लॉग आर नॉट, क्योंकि आर की जगह बच्चों क्या पुट करना है? आर नॉट। बराबर कितना हो गया? के गुणा जीरो। कितना हो गया? के गुणा जीरो प्लस सी। तो ये तो जीरो हो गया बच्चों, तो सी की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई? तो सी की वैल्यू बच्चों आपके सामने है, सी बराबर कितना आ गया? माइनस के लॉग आर नॉट। कितना आ गया? माइनस के लॉग आर नॉट। क्लियर बच्चों? दिखाई दे रहा है यहाँ तक? तो चलिए बच्चों, सी बराबर कितना हो गया? माइनस के लॉग आर नॉट। अब बच्चों सी की वैल्यू किस में पुट करेंगे? समीकरण 1 में। तो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान बच्चों समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों किस तरीके से रखेंगे सी का मान समीकरण 1 में? देखें, तो ये हो गया बच्चों माइनस लॉग आर इजिकल टू कितना हो गया बच्चों? के टी, और माइनस लॉग आर नॉट। कितना हो गया बच्चों? आर नॉट। ठीक है, सी की वैल्यू बच्चों मैंने कितनी पुट कर दी? आर नॉट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। तो माइनस की वैल्यू इस साइड लेके आऊंगा तो कैसी हो जाएगी? प्लस। तो बच्चों क्या हो जाएगा? लॉग आर नॉट, और ये हो जाएगा माइनस लॉग आर, और डिवाइड बाय बच्चों सॉरी बराबर कितना हो जाएगा? के टी। ठीक है बच्चों, देखिए दोनों डेरिवेशन लगभग सिमिलर से हैं, तो बच्चों माइनस है तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। किस में चला जाएगा बच्चों? डिवाइड में। तो कितना हो जाएगा? लॉग आर नॉट डिवाइड बाई आर इजिकल टू बच्चों हो जाएगा आपका के टी। कितना हो जाएगा? के टी। तो यहाँ से देखें के बराबर बच्चों कितना हो जाएगा आपका? तो आप क्वेश्चन देखें बच्चों, के बराबर हो जाएगा आपका वन अपॉन टी, टी डिवाइड में चला जाएगा, लॉग ई बेस आर नॉट डिवाइड बाई आर।
क्लियर बच्चों? यहाँ बेस में कितना होता है? बेस में होता है बच्चों ई। अगर आपको ई को कन्वर्ट करना है 10 में, तो मैंने बताया था बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। तो ये आ जाएगा बच्चों के इज इक्वल टू आपको आ गया 2.303 डिवाइड बाई टी, ठीक है बच्चों, लॉग बेस में कितना आ गया आपका 10, और ये हो जाएगा बच्चों आर नॉट और डिवाइड बाई आर। ब्रैकेट लगाएं ये वाला या ना लगाएं, ठीक है बेटा? तो मैं बड़ा ही ब्रैकेट लगा देता हूँ एक और। तो बच्चों ये जो डेरिवेशन है आपके सामने, यही क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है बच्चों? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ठीक है बच्चों क्या है? वेग स्थिरांक का व्यंजक या उपरोक्त व्यंजक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो बच्चों दोनों में से कोई सा भी एक डेरिवेशन आप कर सकते हैं, क्लियर बच्चों? तो यहां से आपके पास दो क्वेश्चन मैं आज छोड़ता हूं बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको ये बताना है बच्चों कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की यूनिट क्या होती है, ठीक है बच्चों?